तो भाई गाइस आज हम दोबारा से एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम करने वाले हैं एक सर्वाइव का सीजन 2। तो इस सीरीज पर बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि तुम्हें ऐसे करना है वैसे करना है। तो जब हमने पहले इस गेम को खेला था ना तब इतना नहीं हो पाया था, बट अब हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सो फटाफट अपने हेडफोन्स लगाते हैं और गेम के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सारे मोड्स हैं और जाहिर सी बात है मैं सर्वाइवल मोड ही करूँगा बिकॉज मुझे सर्वाइव करने में ज़्यादा मज़ा आता है। ऑल राइट गाइज, हम आ चुके हैं सर्वाइवल मोड में और यहाँ पर ये सारी चीज़ें इन्होंने बता दी हैं और अब मुझे पहले से काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह से खेलना आता है, काफ़ी कुछ मैंने सीखा भी है यहाँ पे। सो ठीक है, सबसे पहले ना हमें बाहर जाना पड़ेगा और जो हमारे पास मशीन है ना उससे हमें यहाँ पे टारगेट करना पड़ेगा ऐसे करके। और इसमें कुछ अपडेट्स भी आई हैं जिनसे कि हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। सो हमारे पास मशीन आ चुकी है, गन मशीन, और पिछली वीडियो में मैंने व्हाट द हेल बहुत बोला था तो उस पर यार आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया था मेरा, हम सॉरी इस बात के लिए। सो फटाफट से यहाँ पर सारी चीज़ों को साफ करते हैं और देखो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि ये कार है ना, इस कार को हम चला भी सकते हैं और हमें इस कार की बैटरीज वगैरह बनानी पड़ेंगी जो हम बैटरी लगाएंगे आई थिंक, या फिर पेट्रोल वगैरह होगा जो हमें डालना पड़ेगा क्योंकि इसमें फ्यूल जो है ना वो ख़त्म हो जाता है और वो फ्यूल हमें बनाना पड़ता है। खामा दिखा, ये मिट्टी साफ़ कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं पागल हूँ। सबसे पहले ना यहाँ पर मुझे जो जो टास्क मिलेंगे वो कंप्लीट करने पड़ेंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे यहाँ पे सर्वाइव करेंगे। सो पहला टास्क हमारा जो है कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर लिखा है कॉन्ग्रेचुलेशंस यू आर मेकिंग फर्स्ट स्टेप ऑन प्लांट एक्स। ठीक है, तो ये एक्स प्लांट है। सो हमें यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ से हमें इस वॉल को क्लिक करना है और ठीक है यहाँ पर मतलब ये जो है ना फाउंडेशन, आई थिंक इसे फाउंडेशन कहते हैं, मेटल चेस्ट वगैरह बनाने के लिए ये सारी चीज़ें चाहिए होंगी हमें, वुडन चेस्ट और मेटल चेस्ट। अब मुझे अच्छी तरह से समझ में आ रहा है वुडन चेस्ट हम इन चीज़ों से बना सकते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा आसान है बनाना, और ये सारी चीज़ें हमें ढूंढनी पड़ेंगी और ये सारी चीज़ें हमें ज़मीन के अंदर मिलेंगी। तो सबसे पहले मुझे बॉक्स बनाना पड़ेगा, चेस्ट बॉक्स। ठीक है, तो इसके लिए मुझे सामान ढूंढना पड़ेगा, मुझे वेयर हाउस में जाना पड़ेगा और वहाँ से एक बॉक्स फाइंड करना पड़ेगा जिससे कि हमारा ये जो टास्क है वो कंप्लीट होगा। तो फटाफट से वेयर हाउस ढूंढते हैं। वो देखो सामने वेयर हाउस है, मेरे पास अगर कार होती तो मैं इससे चला जाता, बट मेरे पास तो कार है ही नहीं, सो मुझे पैदल ही जाना पड़ेगा। मैं उड़ भी सकता हूँ, यस मैं उड़ सकता हूँ यार, ऐसे करके मैं उड़ सकता हूँ बड़ी आसानी से, बट अभी ज़्यादा पावर नहीं है मेरे पास, वरना मैं और भी ज़्यादा ऊँचाई पर उड़ सकता, बट अभी मेरे पास ताकत नहीं है इतनी। तो मुझे भागते हुए जाना पड़ेगा ऐसे करके, और हम वेयर हाउस में पहुँच चुके हैं। ये है हमारा वेयर हाउस और यहाँ पर गेट वगैरह लगे, कितना गंदा है ये वेयर हाउस। सो यहाँ से मुझे ये सारे बॉक्स उठाने पड़ेंगे और इसमें हमें सारा सामान मिल चुका है जिससे कि हम वो चीज़ बना सकते हैं जो इन्होंने बताया है, आई थिंक यही है। इसको हम क्राफ्ट कर लेते हैं, इसको बेस ब्लॉक वुड कहते हैं। यहाँ पर मुझे बिल्ड करने के लिए बोल रहे हैं तो यहाँ पर मुझे बिल्ड करना पड़ेगा, मुझे फिर से यहाँ पर क्लिक करना है और इसके ऊपर इसके ऊपर, और यहाँ से ये हमारी इन्वेंट्री में शायद आ चुके हैं। हाँ तो ये घर बनाने के लिए ही है, हाँ ठीक है, तो ये फाउंडेशन है और इसके बाद हमें विंडो वगैरह बनानी पड़ेगी, वॉल बनानी पड़ेगी और रूफ बनानी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें मुझे अभी ढूंढनी पड़ेंगी। सबसे पहले ना ये कह रहे हैं कि इसको प्लेस करो जाकर, तो हम एक अच्छी सी जगह ढूंढकर वहाँ पर इसे को प्लेस करेंगे। हमारे पास 6 हैं, मैं ऐसी जगह पर इसे बिल्ड करना चाहता हूँ ना जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगे देखने में और ज़मीन जो है वो एक बराबर हो फ्लैट सी बिल्कुल। मेरे ख्याल से यार इस ब्रिज के पास अच्छा ही रहेगा बिकॉज यहाँ पर रिवर भी है और सामने से हमें पानी मिल जाएगा। ठीक है, तो यहीं पर बना लेते हैं अपना बेस, यहाँ से क्राफ्ट करते हैं ना, 6 का बनाएंगे है ना, काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा। एक ये वाला बेस मुझसे गलत लग गया, मैं इसको उखाड़ नहीं सकता क्या, आ गया मेरे पास वापस और अब हम इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ऑलराइट, काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह से काम हो रहा है मेरा। अब मुझे ना ये है हमारा बेस और ये बीच वाला यार थोड़ा सा गड़बड़ लगा है ना, मैं इसको उठा लेता हूँ यहाँ से। ऑलराइट, अब हम यहाँ पे इसे परफेक्ट तरह से लगा देंगे। अब शायद ये लग चुका होगा मेरे ख्याल से, देखते हैं ये लगा है या नहीं लगा है, अभी भी वैसे ही लग गया। चलो ठीक है, मेरे ख्याल से ये ऐसे ही लगेगा, अब इसका कुछ नहीं कर सकते। सो अब मुझे ना वॉल्स बनानी पड़ेंगी, तो ये बोल रहे हैं बिल्ड वन डोर ब्लॉक। ठीक है, मुझे डोर के लिए ब्लॉक बनाना पड़ेगा। यहाँ पर ना हम खिड़की लगा देंगे और इस साइड को अपना डोर लगाएंगे, इधर से हम घर जाएंगे अपने, ठीक है, अंदर के लिए। ये डोर वॉल है ना, हाँ ठीक है, इसको हम यहाँ पर लगा देते हैं, डोर हमारा ऐसे खुल जाएगा। बिल्ड 3 विंडो ब्लॉक्स। ठीक है, अब हमें विंडो ब्लॉक्स बनाने हैं। सो एक विंडो तो हमारी सामने लग जाएगी, एक विंडो यहाँ पर लगा देंगे, एक विंडो यहाँ पर अच्छी लगेगी। ठीक है, 3 विंडो हमारी लग चुकी हैं। अब मुझे वॉल्स बनानी है, बिल्ड वॉल्स ब्लॉक। सो यहाँ पर हम वॉल्स लगा देंगे, एक वॉल, दो वॉल और बाकी सारे लगा देते हैं। काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन घर बन जाएगा शुरुआत में ही हमारा। और राइट, एक यहाँ पर और एक लास्ट वॉल है और वो यहाँ पर लग जाएगी। हमारा घर बनकर रेडी होने वाला है। अब मुझे रूफ बनानी है और हम 0 लेवल पर आ चुके हैं शायद। अब मुझे रूफ बनानी है यानी छत,
तो ये छत का मटेरियल है, यहाँ पर हम छत लगा देते हैं। मेरा वुडन का घर बना है और इस पर लाइट्स भी लगी हुई हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, मुझे लाइट्स लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ पर एक वॉल, और राइट हमारा जो घर है वो बनकर रेडी हो रहा है धीरे धीरे। और एक यहाँ पर, एक सेकंड मुझे फिर से बनानी पड़ेगी, मेरे पास वॉल ख़त्म हो गई। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, अभी हम यहाँ से वापस आ जाते हैं। कुछ हट तो नहीं गया, मैंने सोचा कुछ हट गया। ठीक है यहाँ से अभी वापस आते हैं ना। अब मुझे अच्छा ये वाला वेपन बनाना पड़ेगा जिससे कि हमें अंदर से डायमंड्स वगैरह मिलेंगे और ये सारा सामान मिलेगा। तो चलो इस वेपन को बनाने की कोशिश करते हैं, या फिर मेरे पास अभी ये वाला वेपन है। चलो ठीक है, पहले थोड़ा सा सामान ढूंढ कर लाते हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें बनानी पड़ेंगी। और सबसे पहले सोने के लिए बेड बनाना पड़ेगा, बिकॉज बेड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक बेड नहीं होगा तब तक रात जो है वो कटेगी नहीं हमारी, सो बेड बनाना इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ये पावर अप्स हो गई और यहाँ पर विंडोज़ वगैरह हो गई। बेड है कहाँ पर, मुझे ढूंढना पड़ेगा यार, मुझे नहीं पता बेड कहाँ पर मिलेगा हमें। यहाँ पर सारी वॉल्स वगैरह हैं बट बेड का तो कहीं पर नामो निशान तक नहीं। अच्छा यहाँ पर बेड होगा। ऑलराइट ये बेड है, इसके लिए मुझे क्या चीज़ें चाहिए, सिंगल बेड पॉसिबल टू स्लीप स्किप नाइट्स, ठीक है। तो मुझे इसके लिए इतना सारा सामान चाहिए, ये लकड़ी वगैरह है, ये सारी चीज़ें मुझे ढूंढनी पड़ेंगी। मैं क्रिएट कर सकता हूँ, नहीं हमारे पास दो चीज़ें नहीं है, बॉक्स और ये टेढ़ी मेढ़ी सी लकड़ी, ये चीज़ें नहीं हमारे पास। तो फटाफट से इनको ढूंढ कर लाते हैं, मेरे ख्याल से ये जो हाउस है ना छोटे छोटे, इन हाउस में मुझे मिल जानी चाहिए। चलो भाग कर जाते हैं, मैं उड़ नहीं सकता, उड़ तो सकता हूँ बट मेरे पास ज़्यादा शक्ति नहीं है उड़ने की। इन हाउस के अंदर मुझे पक्का मिल जाएगा सारा सामान, तो वो सामान हम ढूंढ के लाएंगे ना। मैं इतनी ज़्यादा ऊँचे उड़ सकता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ऊँचाई पर उड़ सकता हूँ। सो अंदर चलते फटाफट से, यहाँ से ये देखो ये बॉक्स है ना, इनके अंदर से हमें सामान मिल जाएगा। इन सारे सामान को हम सर्च करते हैं, और अभी मुझे वो टेढ़ी वाली लकड़ी नहीं मिली है, वो मुझे ढूंढनी पड़ेगी। यहाँ पर तो कहीं पर थी नहीं, ऊपर वाले में देखते हैं कितना ज़्यादा बड़ा है ना ये, अरे ऊपर कहीं पर तो सामान ही नहीं है। ठीक है हम उस वाली बिल्डिंग पर डायरेक्ट उड़ के जाएंगे, लेट्स गो। बहुत सही, मैं डायरेक्ट उड़ के आ गया, और अब मुझे यहाँ पर ये सारा सामान ढूंढना है। यहाँ पर कुछ है क्या, ओके ये पानी है, ये क्या चीज़ है। अच्छा ये एनर्जीज वगैरह हैं बट मुझे जो चाहिए वो चीज़ तो मिल ही नहीं रहा है यार। मैं नाइट को कैसे स्किप करूँगा जब तक मेरा बेड नहीं बनेगा, बेड बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है मेरे लिए अब। और ऊपर जाने की भी कहीं से रास्ता है नहीं यार, सामान ढूंढना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी अब। एक हाउस वहाँ पर भी है, मैं डायरेक्ट उड़ के जाऊँ क्या। अच्छा मैं ऐसे ही जा सकता हूँ, मुझे उड़ने की भी ज़रूरत नहीं है, यहीं से कनेक्टेड है ये हाउस। ऊपर चढ़ो, हाँ यहाँ से मैं जा सकता हूँ, काफ़ी ज़्यादा बड़ी जगह है ये, तो एक दूसरे में अटैच है, सो इसलिए मुझे कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं। वो लकड़ी मिल जाए, लकड़ी है ही नहीं कहीं पर भैंस की, पूरा छान मारूंगा मैं बट लकड़ी ढूंढ के रहूंगा अब। अरे यार गेम लैग क्यों हो रही है भाई, पता नहीं मेरी गेम्स क्यों लैग हो रही है इस टाइम पर। यहाँ पर देखते हैं क्या क्या है, मेरे को जो सामान चाहिए वो ही नहीं मिल रहा भैंस की, सब कुछ मिल रहा है मुझे, मेरी इन्वेंटरी फुल हो जाएगी और फिर मैं ऐसे ही भागता रहूंगा, मुझे कुछ भी नहीं मिल पाएगा। मैं नहीं चाहता मेरी इन्वेंटरी फुल हो जाए, छत पर चलते हैं यार, छत पर होगा जरूर कुछ ना कुछ। ओके ये तो नहीं है वो चीज़, आई थिंक हो सकता है, नहीं ये तो ब्रिक्स वगैरह हैं, मुझे ब्रिक्स थोड़ी चाहिए। नाम भी मुझे उसका नहीं पता है, अगर नाम पता होता तो अच्छी तरह से मैं समझ तो लेता कि हाँ यही चीज़ मुझे चाहिए। यहाँ पर बॉक्स मिले मुझे, इनके अंदर क्या है, इनके अंदर भी नहीं है, क्या करूँ मैं यार, आखिर ढूंढूँ तो ढूंढूँ कहाँ उन चीज़ों को, मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कहाँ पर मिलेंगी। सामने एक है, इसके अंदर एक उम्मीद हो सकती है कि हमें मिल जाए, अगर नहीं मिला तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ मुझे पता है यार, बार बार बताने की क्या ज़रूरत है भाई। ओके काफ़ी अच्छी जगह लग रही है ये, टेबल उठा नहीं सकता मैं, नहीं उठा सकता यार ये टेबल, उठाकर अपने घर ले चलते और मुझे टेबल बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, इसी से काम हो जाता। पानी की टंकियाँ मिल गई मुझे, नहीं भाई मुझे चंदन की लकड़ी चाहिए, आई थिंक यार वो चंदन की लकड़ी ना नीचे ज़मीन के अंदर होंगे। चलो यार ज़मीन के अंदर खोदते हैं अब, ये क्या चीज़ है, ये भी नहीं चाहिए मुझे, ज़मीन के अंदर खोदना पड़ेगा मुझे। चलो फिर ज़मीन के अंदर ही चलते हैं ना, मेरा घर, मुझे घर भी नहीं याद है मेरा घर कहाँ पर है। यहाँ पे बिल्डिंग्स तो इतनी सारी हैं बट किसी काम की हैं नहीं, मेरा घर वो रहा। अभी यहाँ से हम खुदाई करके देखते हैं ना, मेरे पास देखो कितना सारा सामान आ चुका है। खुदाई किससे करते हैं, इससे, ये किस लिए है, अच्छा ये जानवर मारने के लिए, सब अलग अलग मशीनें हैं। ऑलराइट इससे हम जानवर को मार सकते हैं, तो इससे खुदाई करेंगे, ओके हाँ इससे खुदाई करेंगे। ठीक है मुझे यार वो वाली चाहिए, वो चीज़ पता नहीं कहाँ पर मिलेंगी, सीपियाँ वगैरह मिल रही हैं मुझे। चलो यार यहीं कहीं पर मुझे मिलेंगी, मैंने पहले क्यों नहीं देखा, अगर पहले ये सारी चीज़ें देख लेता तो मुझे मिल सकता था। मुझे जो चीज़ चाहिए वो चीज़ अभी तक नहीं मिली, आई थिंक मुझे एक और ख़तरनाक वेपन बनाना पड़ेगा जो कि पत्थर वगैरह को भी जला सकता हो, यानी खोद सकता हो, तभी तो मैं अंदर जा पाऊँगा। मैंने पूरी जगह खोद ली है बट मुझे वो नहीं मिला जो मुझे चाहिए।
पता नहीं कहाँ पर होगा यार, मैं तो ढूंढते ढूंढते भी थक गया हूँ। जमीन के नीचे खुदाई करते हैं, जितने नीचे जा सकता हूँ ना मैं उतने नीचे जाऊँगा। पत्थर तक आ गया है और पत्थर की खुदाई शायद इससे नहीं होगी। आई थिंक पत्थर की खुदाई इससे होगी क्या? नहीं, इससे भी नहीं होगी। सो, मुझे इन मशीनों के लिए ना बैटरीज भी बनानी पड़ेंगी। अगर हम बैटरीज नहीं बनाएंगे तो हमारे वेपन्स काम नहीं करेंगे, तो बैटरीज भी बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सामान मिलने का नाम ही नहीं ले रहा, ये चीज़ मुझे नहीं मिल रही है, ये सेकंड वाली चीज़ पता नहीं कहाँ पर होगी। चलो अपने घर पर चलते हैं, अब क्या करूँ मैं, नहीं मिल रही मुझे। मैं बैट बनाना चाहता हूँ बट मेरे को ये सामान जब तक मिलेगा नहीं तब तक मैं बैट बना ही नहीं सकता। आखिरकार मैं ढूंढूँ तो ढूंढूँ कहाँ इन चीज़ों को? उसके अंदर से मैंने सारा सामान ले ही लिया था शायद। वहाँ पर बैट्स वगैरह हैं, मेरे ख्याल से मैं उन बैट्स का यूज़ नहीं कर सकता। एक सेकेंड, हमारी जो शिप है ना, स्पेस शिप है ना, मैं वहाँ पर जाकर शायद सो सकता हूँ क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे बैट्स लगे हुए हैं। मैं इधर से ही आया था ना, तो इसका मतलब कि हम अपनी स्पेस शिप में शायद सो सकते हैं। अभी मुझे वो क्या कहते हैं, चेस्ट भी बनाना है बिकॉज हमारे पास बहुत सारा सामान हो चुका है। एक सेकंड, में चेस्ट बना भी सकता हूँ या नहीं? ये वॉल्स वगैरह किस लिए हैं यार, इतनी वॉल्स का क्या करना है मुझे, मुझे तो समझ में ही नहीं है। टाइल्स भी हम लगा सकते हैं, यानी बिल्कुल मॉडर्न टाइप का हम घर बना सकते हैं, इसलिए इसमें सारी मॉडर्न चीज़ें दी हुई हैं। चलो ठीक है, अभी हम घर चलते हैं, हमारे पास कार वगैरह तो है ही, अगर मैं चाहूँ तो कार का भी यूज़ कर सकता हूँ। चलो चलो चलो, मेरे ख्याल से जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे ना वैसे वैसे हमें नया सामान मिलेगा। और यहाँ पर भी देखो नीचे जाने की रास्ता है, पहले ऊपर जाकर सोने की कोशिश करते क्योंकि मैंने शायद वहाँ पर बैठ देखे थे। देखते हैं यहाँ कहीं पर बैठ है या नहीं। लैकिंग हो रही है गेम, व्हाट इज दिस यार, यहाँ पर ये बैठ है तो बट मैं सो ही नहीं सकता यहाँ पे, और मुझे यही नहीं पता कि ये है क्या चीज़। चलो नीचे चलकर देखते हैं ना नीचे क्या क्या है, खुदाई करके देखते हैं। खोदो और खोदो और खोदो और खोदो और खोदो और खोदो और खोदो, ये मैं कहाँ आ गया? अरे मैं बाहर निकल के आ गया स्पेस शिप के। मैंने सोचा यार मेरे को सामान तो दिख ही नहीं रहा, एक सामने घर है वहाँ पर देख कर आते हैं। मैं ज़्यादा ऊंचाई तक उड़ भी नहीं सकता यार क्योंकि मेरे पास एनर्जी बहुत ही ज़्यादा कम है। जब तक एनर्जी नहीं होगी तब तक मैं कुछ भी नहीं कर सकता। एक सेकेंड, आई फाउंड सैंडस्टोन। कहाँ से मुझे मिला सैंडस्टोन? आई डोंट नो, इसमें लिखा था आई फाउंड सैंडस्टोन बट मुझे नहीं पता कि कहाँ से मिला इसे सैंडस्टोन। अच्छा ये चीज़ है क्या सैंडस्टोन? लकड़ी मैं काट सकता हूँ? यस यार काट तो सकता हूँ मैं। हो गई क्या लकड़ी? अच्छा रुक जाओ, मुझे कुछ फेंकना पड़ेगा। थ्रो कर देते थ्रो आउट, और अब यहाँ से हम लकड़ी, फाइनली मुझे लकड़ी मिल गई यार। पता तो दो की लकड़ी है ये, मेरे को क्या पता था कि ये लकड़ी है। इसका मतलब मुझे पेड़ वगैरह फाइंड करने पड़ेंगे और वहाँ से मुझे लकड़ी मिलेगी। तो अब हम फटाफट से अपना बैट वगैरह बना सकते हैं। ऑल राइट, अभी तो इसे फिलहाल हम कैंसिल करते हैं, मेरे पास बैटरीज भी नहीं रह गई हैं। ओके, मैं यानी यही वाले पेड़ ले सकता हूँ। एक बार में एक ही पेड़ मिलता है क्या? दो तो लकड़ी देनी चाहिए थी कम से कम। दो मिल गए, अरे इस बार तो दो मिल गए। आई कांट कैरी मोर टाइम्स। ओके, मेरे पास कितनी हो गई? मेरे पास पांच ही तो हुई हैं अभी। चलो ठीक है, अभी पांच लकड़ी लेकर जाते हैं और फटाफट से इन्हें अपने घर में लगा देते हैं जाकर। मुझे बैट बनाना है ना, आई थिंक तीन में बैट बन जाएगा। देखते हैं बैट कितने का बनेगा, फिर आगे का काम करेंगे। अगर और चाहिए तो और उठा लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ऊपर बैट है ना, ये रहा बैट। और अभी अरे नहीं यार, इसके लिए मुझे और ही कुछ चाहिए। चलो कोई बात नहीं, अभी हम घर चलते हैं। ऑलराइट गाइस, तो मैं घर पे अपने पहुंच गया हूँ और घर पहुंचते पहुंचते ना मैंने कुछ देखा अपनी इन्वेंटरी में। तो यहाँ पर देखो ये बिल्ड में ना हमारे पास एक बेड आ चुका है। पता नहीं कहाँ से ये बेड आया, मुझे कोई आइडिया नहीं ये बेड कहाँ से आया। अब मैंने सोचा आ गया तो इस बेड को लगा ही देते हैं। मैं ना इसे यहाँ पर लगा दूंगा ताकि एक ये डबल बेड बन जाए। एक और बेड यहाँ पर लगा दूंगा तो ये डबल बेड बन जाएगा। ऑलराइट, इसको प्लेस कर देते। कितना छोटा सा बेड है यार, किट्टू सा। व्हाट द हेल यार, मैंने गेट के सामने लगा दिया और मुझे लग रहा है कि मैंने खिड़की के सामने लगाया, मुझे यहाँ पे लगाना था। चलो ठीक है, इसको हम फिर से रिमूव करते हैं। और कहाँ चला गया वो बेड? हट तो नहीं गया, हटना नहीं चाहिए यहाँ पर। अरे बेड हट गया मेरा, व्हाट इज दिस यार, बैट ही गायब हो गया मेरे पास। अरे यार मेरी किस्मत में बैट है ही नहीं मुझे लगता है। चलो ठीक है, मैंने अभी चेस्ट बनाया, ये मैंने ये चेस्ट बग चेस्ट अभी बनाया है, तो इसलिए मैंने सोच रहा हूँ इस चेस्ट को यहाँ पर रख देता हूँ। मैंने एक बनाया था बट यहाँ पर दो बन गए, अच्छी बात है। ठीक है ना, तो इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं, यहाँ पर इसको रख देते हैं। अरे ये सोफ़ा है, इस पर हम बैठ सकते हैं। और राइट, यहाँ से अभी हम टाइमर को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं शायद, देखते हैं शायद थोड़ा सा टाइम हो जाए। बैठ गए ना, अब क्या एक घंटे तक बैठे रहोगे?
ठीक है हो गई एनर्जी। अच्छा ये चीज ना हमारी एनर्जी को बढ़ाती है, ये चीज हमारी एनर्जी को बूस्ट करती है और शायद दिन भी होने वाला है, काफी बढ़िया बात है ये तो। सो अपने चेस्ट में पहले सबसे हम सामान रख देते हैं, बिकॉज यहाँ पर सामान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये सारी चीजें हम रख देते हैं, बैटरीज भी मुझे चाहिए होंगी, ठीक है। सो बैटरीज हम निकाल लेते हैं ना, स्क्रीन पर टैप कर देते हैं और इस बॉक्स को हम बंद कर देते हैं। बाकी अब मुझे लगता है बेड फिर से बनाना पड़ेगा, लेकिन बेड बनाने के लिए हमारे पास तो सामान है ही नहीं। हालांकि सुबह तो हो चुकी है, मैं ना एक स्टेयर्स बनाकर देखता हूँ, बिकॉज ऊपर चढ़ने के लिए मुझे स्टेयर्स चाहिए होंगी, यही है स्टेयर्स। सो अभी हमारे पास सामान नहीं है, किसी भी चीज़ के लिए हमारे पास सामान है ही नहीं। ये चीज़ पता नहीं क्या है जो मुझे चाहिए होगी, जो कि अभी तक नहीं मिल रही है। तो यार आज के लिए इतना काफ़ी होगा, ठीक है। बाकी का काम हम अगले एपिसोड में करेंगे, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना क्या तुम्हें इस गेम पर और वीडियोस चाहिए या नहीं। बाकी मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट गेम प्ले में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सो मैं चला, गुड बाय।